हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आइए पच्चे होंगे। आज है 13 फरवरी 2020। आज जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेस्ले और बजाज फिनसर्व को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, डीमॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को नेशनल स्नॉकर चैंपियनशिप से हराकर किस खिलाड़ी ने नेशनल स्नॉकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आदित्य मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 3, केरल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका की डैश ने भारतीय संसद से CAA और NRC को खत्म करने के लिए इन दोनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UNEP के 13वें माइग्रेटरी स्पेसिस कॉन्सेंट का ब्रांड एम्ब्रेस्ड किस भारतीय अभिनेता को बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 2, रणदीप हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की किस राज्य सरकार ने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने कितने वर्ष की सजा सुनाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11 वर्ष की। ठीक है दोस्तों, 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजमेर परिवायर का आयोजन करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका की सरकार ने हाल ही में किस देश को इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बेचने को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी दोस्तों, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप सभी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डेली करंट अफेयर एंड स्टडी से रिलेटेड वीडियो यहां पर अपलोड होती रहती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।